जीवन यात्रा में विभिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए अक्सर मन हताश हो जाता है और जीवन जीने का उत्साह क्षीण होने लगता है। परमात्म ज्ञान से आत्मा को ताकत मिलती है, जिससे जीवन की हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत आती है। आत्मा गुणग्राही बनकर दूसरों के गुणों और विशेषताओं को भी अपनाती है। परमात्मा आत्मा को गुण स्वरूप बनाकर पवित्रता और दिव्यता से संपन्न बना देते हैं। ओम शांति। सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर योगेश्वर हर मनुष्यात्मा के हृदयेश्वर गीता ज्ञान दाता, जिसकी अगाध कृपा से सर्व मनुष्यात्माओं के लिए अद्भुत गीता ज्ञान संजीवनी उपलब्ध हुई और मनुष्य आत्माओं के आत्म कल्याण हेतु स्वयं परमात्मा परम धाम छोड़कर इस धरती पर अवतरित हुए और साधारण मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य आत्माओं को अशरीरी बनने का या विदेही स्थिति का अभ्यास कराने के लिए हर रोज मनुष्य आत्माओं की भाषा में सरल तरीके से गीता ज्ञान दिए जा रहे हैं, जिस गीता ज्ञान का ही सदियों से भक्तों ने इतनी विस्तृत रूप से पाठ प्रवचन जाप करते करते गीता ज्ञान दाता के इंतजार में जीवन बिताए थे। ये वो घड़ी है जिसकी इंतजार सदियों से हर मनुष्य आत्माओं को थी कि परमात्मा कब आएंगे, हमारी पुकार कब सुनेंगे। और हम सब मनुष्य आत्माओं को इस विकारों की दलदल से छुड़ाएंगे और हम मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे, क्योंकि ज्ञान ही तो संजीवनी है और ज्ञान स्वयं में प्रकाश है, क्योंकि ज्ञान एक परमात्मा शक्ति है जो परमात्मा के द्वारा मनुष्य आत्माओं को प्राप्त होती है। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस अद्भुत ईश्वरीय ज्ञान से ही मनुष्य आत्मा के अंदर छिपे हुए ज्ञान के संस्कार जागृत हो जाते हैं। ऐसे जन्म जन्मांतर से जो मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना की है, उसी अभ्यास के अंतर्गत ही राजयोग के मार्ग पर वो चल सकते हैं। आगे जो परमात्मा ने भगवान वाच के रूप में हम सबके लिए सुनाए हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
यहां पर भगवान ने बहुत सुंदर से रहस्यमयी बातों को हमारे सामने रखा है जो गीता के माध्यम से हम सुन रहे हैं। गीता ज्ञान को सुनने के लिए, गीता ज्ञान के अनुसार चलने के लिए, कई जन्मों से जिस आत्मा ने साधना की हुई है परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसी के आधार से ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो जो पूर्वाभ्यास किए हुए हैं और पूर्वाभ्यास के आकर्षण में वो खींचे चले आते हैं, यहां दो तरह के अर्थ हम समझ सकते हैं। एक तो जब परमात्मा प्राप्ति हो गई, हमने गीता ज्ञान को समझ लिया, गीता ज्ञान दाता को हमने हमारे जीवन के साथी बना लिए। अगर मार्ग मध्य में गीता ज्ञान से हम अलग हो गए या साधना के पथ से भटक गए, पुनर्जन्म ले लिए, तो उस जन्म में भी पिछले जन्म का संस्कार जो है वो आकर्षण करता है। भले वो योग के जिज्ञासु क्यों नहीं है, लेकिन योग के जिज्ञासु ना होने के बावजूद भी पूर्व जन्म का संस्कार उसे आकर्षित करते हुए योग मार्ग पे उसे ले आता है। और जो जन्मों से चले आ रहे थे वेद शास्त्रों के अनुसार शब्द ब्रह्म के अभ्यास का अनुसार करते हुए, उस शब्द ब्रह्म के साधना से भी ऊपर उठकर मनुष्यात्मा पर ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, अर्थात अपने पूर्ण सिद्धि को पा लेते हैं। शब्द ब्रह्माति वर्तते अति वर्तते, है ना। बहुत सुंदर सा दूसरा अर्थ क्या है कि द्वापर युग से हम मनुष्य आत्माएं अपने निजी स्वरूप जब भूल गए थे, ढूंढ रहे थे सिद्धि के लिए तरस रहे थे, साधना कर रहे थे, भगवान कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, खोया हुआ स्वधर्म कैसे हम प्राप्त कर लेंगे, दर दर भटक रहे थे, लेकिन साधना जारी थी। जन्म जन्मांतर के भक्ति का फलस्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है, और जन्म जन्मांतर के भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तो पिछले कल्प के जो पिछले संस्कार है, जो छिपे हुए हैं आत्मा में, वो संस्कार परमात्मा की तरफ हमें आकर्षित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप अनेक जन्मों में किए हुए भक्ति का फल जागृत हो जाता है और शब्द दुनिया से या शाब्दिक दुनिया से मनुष्यात्मा ऊपर उठ जाता है, सामाजिक दुनिया से भी ऊपर उठकर निर्वाण ब्रह्म के ओर चलने के लिए वो साधनाग्रस्त हो जाता है। कितने सुंदर से अभ्यास की बातें परमात्मा हमें समझा रहे हैं। देखिए, परमात्मा ने मनुष्यात्मा को इस दुनिया में भेजा था आत्मज्ञान के आधार से, श्रेष्ठ कर्म के आधार से, लेकिन आत्मज्ञान होते हुए, श्रेष्ठ कर्म भोगते हुए, जब हम मनुष्यात्मा देह भाव में आ गए, दैवत्व खो गया, देह भाव में आने के बाद भी जिन शक्तियों को या जिन सद्गुणों को हमने खोया था, उसकी तो एक तरह से अंदर से एक प्यास तो बनी रही कि ये चाहिए, कहाँ मिलेगी, उसे ढूंढते रहे और बहुत गहरी भक्ति में भी हम परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, करते करते जब अंत समय आ गया, परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो गए, तो मनुष्य आत्मा को मानो कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गया, आत्मा के अंदर के संस्कार जागृत हो गए, तो जहां शाब्दिक दुनिया में, शब्द की दुनिया में, मंत्रों की दुनिया में, भक्ति की दुनिया में हम भगवान को ढूंढ रहे थे, उससे उठकर हम परमात्मा जो पार ब्रह्म में रहते हैं, निर्वाण दुनिया में रहते हैं, वह संपूर्ण शांतिमय दुनिया में रहते हैं, वो जब इस धरा पर पधारे हैं तो उसको हमने अपने आप पहचान लिया, या यूं कहे परमात्मा ने हमें अपना लिया, ऐसे होता है। तो बहुत सुंदर सी ये स्पष्टता है। एक तो साधना के मार्ग में बीच में छूट गई तो भी पिछला संस्कार हमें पुनः परमात्मा की तरफ खींच कर ले आएगा, और जन्मों के जो पुरुषार्थ है वो भी हमें परमात्मा की तरफ खींच के ले आएगा। आगे चलकर परमात्मा बहुत सुंदर बातें हमें समझाते हैं। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो यात पराम गतिम्। अनेक जन्म से जो हमने सिद्धि प्राप्त की थी, परमात्मा को पाने के लिए जो चाहत रखी थी,
जब मनुष्यात्मा परमात्मा को पा लेता है, उसके फलस्वरूप उसके अंदर के अनेक जन्मों के जो किलबिषह है, पाप है, वो नाश हो जाता है। मनुष्यात्मा सतत साधना से, प्रयत्नशीलता से अपने अंदर की जो भी त्रुटियां थी या पाप थे या कलमश थे, उसे धो लेता है परमात्म ज्ञान से और योग के आधार से, तब वो परम गति को प्राप्त करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि अनेक जन्मों की थोड़ी 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 सिद्धि को इकट्ठा करके लास्ट में वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे बहुत जन्मों की साधना का फल है। इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से हमें स्पष्टीकरण चाहिए। अनेक जन्मों से हम भगवान के लिए साधना कर रहे थे, जितना हम ज्यादा साधना किए थे उतना ज्यादा हम परमात्मा को समझ सकते हैं। जितना ज्यादा हमने भक्ति की थी, जितनी भक्ति की पूर्णता हुई थी, उतनी गहराई से हम परमात्मा ज्ञान को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। जितना हम परमात्मा ज्ञान में गहराई में जाते हैं और साधना में अपने आप को लगा देते हैं, लगातार साधना करते हैं, प्रयत्नशीलता में कभी फेलियर नहीं होते हैं और प्रयत्न करते रहते, जिसके आधार से हमारे योगी जीवन के फलस्वरूप अंतःकरण में छिपे हुए सारे कलमश धुल जाते हैं, तब मनुष्यात्मा बहु जन्मों के भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त करते हुए योगी जीवन अनुभव करने के पश्चात परमात्मा के सन्निधान में परम गति परम धाम की ओर चलने के लिए योग्य हो जाती है, अर्थात परम धाम पहुंच सकती है। अपने परम गति को पाने के लिए मनुष्यात्मा को एक तो अनेक जन्मों की साधना का भी सहयोग चाहिए और इस जन्म में योगी बनने की भी बहुत बहुत आवश्यकता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमें परमात्मा की बातों का इतना अटेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता है? हम परमात्मा को अपना साथी मानते हैं ना, परमात्मा को जीवन साथी बना लिया। परमात्मा तो हमारा पिता है, इसलिए पिता की कही हुई कई बातों का हम ऐसे ही यूं ही मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। आज दुनिया में भी तो यही हो रहा है ना, बड़े बूढ़ों की कोई बात नहीं सुनता है। ऐसे ही हम अध्यात्म पथ पर चलने वाले भी भगवान को बड़े तो मानते हैं, पिता भी मानते हैं, लेकिन उन बातों को टेकन एज ग्रांटेड ले लेते हैं, चलता है। जो हमारे जन्मों की आदत है चलाने की, इस चलाने की आदत से कहीं चिल्लाना ना पड़े इसके ऊपर अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। एक बहुत सी सुंदर सी कहीं पड़ी हुई बातें मुझे याद आती है। एक जंगल के बहुत सुंदर प्रदेश में हिरण का एक झुंड रहता था। 100 से अधिक हिरण एक झुंड में रहते थे, उसमें छोटे बड़े सब रहते थे। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बदलता, बारिश का मौसम आने का लक्षण दिखाई दिया। आसमान में बादल छाने लगे। तभी थोड़े से जो बुजुर्ग हिरण थे उन्होंने कहा, अभी हम इस जंगल को छोड़ के थोड़े से ऊंचाई पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, और अगर हम पानी में फंस गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे हिरण थे वो कहते थे कि यहाँ तो खेलने कूदने के लिए बहुत जगह है, अच्छी घास भी मिल रही है, हम यहाँ से नहीं चलेंगे। बुजुर्ग हिरणों की बातों छोटे हिरणों ने सुना ही नहीं, बहुत कुछ समझाने पर भी वो चले नहीं। जो भी बुजुर्ग थे और आधे उम्र के हिरण थे वो सारे एक साथ चले गए दूसरी ओर, अर्थात थोड़ी ऊंचाई की ओर। ये छोटे छोटे जो युवा हिरण थे यहीं पर रह गए, मस्त खेले कूदे, कोई पूछने वाला ही नहीं था, आराम से रहने लगे। 4-5 दिन बीते, एक दिन आराम से घास खा के आराम से सोए हुए थे, नींद में गहरी नींद में थे, जोरदार बारिश शुरू हो गई। इतनी जोरदार बारिश कि पूरा जंगल जहां पर ये छोटे युवा हिरण रहते थे पानी से भर गया। तभी इन छोटे युवा हिरणों को अकल आया, अरे बड़े बुजुर्ग कहते थे चलो ऊंचाई की ओर चलते, यहां रहना मुश्किल हो जाएगा, अनुभव से कहते थे लेकिन हम माने नहीं, अभी क्या करेंगे। बहुत मुश्किल से एक दूसरे को पकड़ के चलने की कोशिश किए, लेकिन उनमें से एक दो को तो
मृत्यु का मुख देखना पड़ा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हिरणों ने कहा था कैसी भी कठिनाई में हिम्मत नहीं हारना। ऐसे करते हुए बचे कुचे थोड़े हिरण भाग भाग के जहाँ पर बुजुर्ग हिरण गए थे उस ओर चल पड़े, और वहाँ जैसे ही गए अपने बुजुर्गों की आवाज़ सुनी, इनकी जान में जान आई। और उस दिन उन्होंने प्रण किया, आगे से हम कभी अपना ये बचपना नहीं दिखाएंगे, बुजुर्गों की बात माना करेंगे। क्या हमारी जिंदगी में ऐसे कभी होगा कि हम अपने आप से प्रण कर सकेंगे कि हम भगवान की बातों को मानेंगे जरूर? क्योंकि दुनिया में सबसे बुजुर्ग तो भगवान ही है, सबसे सनातन तो भगवान ही है, सबसे बड़ा तो भगवान ही है, उनसे बड़े कोई है नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया से बाहर रहकर पूरी दुनिया को चलाने वाला, पूरी दुनिया से बाहर रहकर पूरी दुनिया की गतिविधि को जानने वाला, तो वो भगवान हमें कह रहे हैं कि अनेक जन्मों का पुण्य, अनेक जन्मों की साधना, अनेक जन्मों की सिद्धि के फलस्वरूप परमात्मा हमें मिलते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति के बाद जब हम मनुष्यात्मा ये योगी बन जाते हैं, योग लगाते लगाते हम अपने आप के अंदर के सारे पाप नाश कर लेते हैं, तब हम मनुष्यात्मा ये शब्द ब्रह्म से अतीत परम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, अभी मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा, ये तो मरने के बाद की बात है ना, परम गति, लेकिन जीते जी हमें क्या मिलेगी, डे टू डे लाइफ में इसकी क्या प्राप्ति होगी? जी, पहली बात, जब हम मनुष्यात्माएं परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग में चलते हैं, खुद के अंदर को देखने का अभ्यास करते हैं, तो खुद में सुधार लाने के लिए हम अग्रसर होते हैं। जब तक हम खुद को देखना नहीं जानते, दूसरों को ही देखते हैं, हर घड़ी दूसरों की गलती ही गिनते रहते हैं, हमारे अंदर दूसरों की गलती ही आती जाती है और हम और ही बुरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। एक तो हुई जब हम साधना के पथ में गुणवान गुणसागर परमात्मा के हाथ पकड़े, उसी के साथ चलने का संकल्प किया, तो हमें अपने अंदर के गुण दिखाई देने लगते हैं, अपने अंदर की ताकत की एहसास होती है, तब हम दूसरों को भी गुणवान के रूप में देखना पसंद करते हैं, दूसरों के गुणों को चुनना आरंभ करते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो जन्मों के अवगुणों का फल, विकारों का फल, पाप कर्मों का फल छिपा हुआ है, वो नीचे चला जाता है। और अंदर ज्ञान की खुशबू, गुणों की शक्तियों की जो बहुत सुंदर सी ताकत है, वो उभर आती है। और निज जीवन में, भौतिक जीवन में रहते भी हम इतने खुश रहते हैं, सामने कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, उस मुश्किलात को सामना कर गुजरने की हमारे अंदर एक हौसला आ जाती है। बस जिसके पास हौसला है, जिसके पास लगन है, उसके लिए वर्तमान भी सफल है तो भविष्य भी सफल है। तो देखिए, अगर हम भविष्य की ओर अपने उद्देश्य को देखते हुए वर्तमान को भी संभालते चले, तो क्यों नहीं ये जीवन उज्जवल होगा। हमारा लक्ष्य वर्तमान को उज्जवल बनाना है। वर्तमान उज्जवल बनते बनते अगर भविष्य बन भी जाता है तो बहुत अच्छा है ना। तो वर्तमान में हमारा लक्ष्य रहेगा, कभी अपने आप को कोसे नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, अरे मेरे साथ ऐसे हुआ इसीलिए तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई, अरे मेरे साथ ऐसा घटा इसीलिए तो मुझे परमात्मा ज्ञान समझ में आया। और परमात्मा ज्ञान को पाने का दुनिया में करोड़ों में कोई एक को ही भाग्य मिलता है। उन कोटि कोटि आत्माओं में से मैं ऐसा भाग्यशाली हूं जो अनेक जन्मों के पुण्य का फल मुझे परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अनेक जन्मों के पुण्य का फल मुझे गीता ज्ञान दाता से गीता ज्ञान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कभी अपने गत काल में जाते हुए वियोगी स्थिति का अनुभव हम ना करें, तभी अंदर की समशुद्धि किल्बिशहा, अंदर जो छिपे हुए पाप है उनका नाश हम कर सकते हैं, तभी हमारे अनेक जन्मों के पुण्य भी काम आते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे अंदर ताकत जरूर है, हमारे अंदर ज्ञान भी है,
लेकिन उस ज्ञान के अंदर, ताकत के अंदर जब हम अपने ही कमजोर संकल्पों को मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ज्ञान की ताकत कम हो जाती है, योग की ताकत कम हो जाती है, निरंतरता खत्म हो जाती है, हम अपना हौसला खो बैठते हैं। जी हाँ, हम देखते साधारण हैं लेकिन हमारे कर्म महान हैं, हम चलते साधारण हैं लेकिन हमारे सोच महान है, हमारे बोल साधारण निकलते हैं लेकिन ये बोल परमात्मा के सिखाए हुए अनमोल वचन है। जब हमें इन बातों की अटेंशन रहेगी और जब हम इन बातों पर अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे तभी ही हमारे जीवन में हम पराम गति उच्च स्थान की प्राप्ति कर सकेंगे। सच में जब गीता ज्ञान दाता को हम पहचान लेते हैं और ये श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं तो जिसने भी लिखा है उसमें हर मनुष्यात्मा की भावनाओं को प्रश्न के रूप में जो दिखाया गया है, जी हाँ, मन की व्याकुलता को जब हम भगवान के सामने प्रकट करते हैं तो इन व्याकुलता से बाहर निकलने का सही मार्ग भी भगवान ही तो हमें दिखाते हैं, तो हम मनुष्यात्मा अंधकार से निकल कर रोशनी को पकड़ते हुए, रोशनी में चलते हुए गम्य स्थान तक पहुंच ही जाते हैं। ओम शांति। गीता ज्ञान ऐसा अलौकिक प्रकाश है जो आत्मा का परमात्मा से रूहानी मिलन कराकर सृष्टि परिवर्तन का आगाज करता है, जिससे इस धरा पर सतयुग की सुनहरी सुबह हो जाती है। मनुष्य अक्सर जप तप मंत्र आदि के माध्यम से परमात्मा का सिमरन करते हैं, परंतु क्या कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा आदि करने से परमात्मा के दर्शन संभव है? परमात्मा अब स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हमें यह समझ दे रहे हैं कि जिन आत्माओं ने जन्म जन्मांतर भक्ति की होगी उन्हों को फलस्वरूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे वह अपने जीवन में धारण करती है। दोस्तों, कितना अद्भुत है यह परमात्म ज्ञान, जिसकी प्राप्ति का आधार जन्मों की भक्ति, साधना एवं तपस्या है। जो मनुष्य आत्मा पूर्व साधना एवं भक्ति के फल स्वरूप परमात्मा को पहचान कर उनके द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलने का प्रण करती है, वह परमात्म सानिध्य एवं स्नेह को प्राप्त करती है। अतः यही वह भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो सतयुग की स्थापना में परमात्मा के साथ निमित सहयोगी बन जाएंगी। तो चलिए, परमात्मा द्वारा दिखाए गए इस श्रेष्ठ ज्ञान पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प करें और महानता को प्राप्त करें। ओम शांति।